आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक सस्ता मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू मोटो ब्लॉग। स्वागत आप सभी का एक और नए मोटो ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह एक और बेकार चीज मेरे को दिख गई यार। बाइक निकाली, अभी स्टार्ट करी और ये इंजन चकलेट आ गई यार। इससे तो बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या दिक्कत हुई इसमें यार, अंदर ही अंदर, आई डोंट नो। सो और टाइम हो चुका है 8:44। मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। मन कर रहा था कि मोटो ब्लॉग किया जाए एक और अच्छे से टॉपिक पर, जो कि होने वाला है सभी के लिए हेल्पफुल और स्पेशली फॉर मोटो ब्लॉगर्स। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक सस्ता मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, जिससे आप भी कर सकते हैं अपने मोटो ब्लॉग की शुरुआत। सो मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि है वो चीज़। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए कोई भी बाइक, स्कूटी, साइकिल, साइकिल पे भी कर सकते हो अगर आप हेलमेट पहने हो तो। लेकिन बाइक और स्कूटी हो, ज़रूरी नहीं है कोई भी स्पोर्ट बाइक हो। आप स्प्लेंडर से भी मोटो ब्लॉग कर सकते हो, प्लेटिना से भी कर सकते हो, स्कूटी से भी कर सकते हो और इलेक्ट्रिक स्कूटी से भी कर सकते हो। तो किसी से भी आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी एसेट है वो है आपके पास बाइक, स्कूटी या आपका कोई भी टू व्हीलर। तो दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक हेलमेट। कि हेलमेट तो आप डेली पहन के चलाते ही हो, आई होप आप सभी रूल फॉलो करते होंगे, तो बिना हेलमेट के चलानी भी नहीं चाहिए। और एक अच्छा मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट लेने के लिए आपको एक बजट हेलमेट मैंने वीडियो बना भी रखी है, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक बजट हेलमेट आ जाता है आपका अराउंड 1000 से 1500 के बीच में, अगर आप एक बजट और चीप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए सोच रहे हो तो। सो जैसे कि आपके पास स्कूटी है, बाइक है, तो हेलमेट भी हो गई, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अगर शुरुआत में नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हेलमेट हो गया 1000 से 1500 रुपये कॉस्ट मान के चल रहा हूँ मैं, बाइक आपके पास होगी उसकी कॉस्ट नहीं ऐड करेंगे। तो दो चीज़ें हो गई हैं जो कि हैं कंपलसरी फॉर ड्राइव। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, आपके पास लाइसेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना लाइसेंस के चलाओगे तो भाई उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा है, तो चलानी भी नहीं चाहिए। तो लाइसेंस हो तभी आप बेस्टली, तभी आप बाइक ड्राइव करोगे या मोटो ब्लॉग या कुछ भी एनीथिंग आप ड्राइव कर सकते हो ऑन रोड। सो दो चीज़ें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दी है, बाइक और हेलमेट, जिनकी कॉस्ट, हेलमेट की कॉस्ट अराउंड 1500 से 1000 भी हो सकती है, 1700 भी, और डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा हेलमेट अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना पसंद करते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है आपके पास आपका कैमरा। कैमरा मतलब मोटो ब्लॉग का मतलब यही नहीं है कि गोप्रो से ही आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ़ोन से भी कर सकते हो। लेकिन फ़ोन थोड़ा सा बल्की हो जाता है और सेफ़ नहीं है फॉर राइडिंग एंड ऑल। तो आप एक बजट एक्शन कैमरा भी बाय कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास है SJ6 Legend। तो ये एक है बेस्ट बजट एक्शन कैमरा, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो एक्शन कैमरा 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में भी आते हैं, जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। 4K तक उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है, 30 FPS तक। अगर आप SJ6 Legend की तरफ जाते हो तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा 10,000 के आसपास आता है, 10, 11, 12 तक आपको कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिल सकता है। SJ के और मॉडल भी आते हैं, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन 4-5 हज़ार का भी कोई एक्शन कैमरा आता है जिसे आप अपने हेलमेट में एज अ मोटो ब्लॉगिंग यूज़ कर सकते हो। तो तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको, एक एक्शन कैमरा, जो कि एक अच्छा खासा बजट एक्शन कैमरा आप 4 से 5 हज़ार रुपये में बाय कर सकते हो। 4 से 5 रुपये में तो नहीं मिलेगा, तो आप SJ की तरफ भी जा सकते हो अगर आपका बजट इतना है तो ठीक है, वरना आप अभी स्टार्टिंग के लिए आप ले सकते हो। लेकिन GoPro जैसी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि GoPro में जो है ना वाइड मिल जाता है, पूरा आपका हैंडल भी दिखेगा और सामने का आसमान भी दिखेगा। लेकिन SJ में ऐसा इतना सुपर वाइड एंगल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो मज़ा नहीं आ पाता अभी मोटो व्लॉग्स में। तो ये डिफरेंस है आपका SJ और GoPro में। लेकिन आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तब तक आप मोटो व्लॉगिंग करना सीखोगे ना, तब तक आपके लिए बजट एक्शन कैमरा बेस्ट रहेगा, जिससे आप आराम से मोटो ब्लॉग बना सकते हो और सीख भी सकते हो।
तो तीन चीज़ें मैंने बता दी है, उसके बाद आती है आपकी ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी हमारी मेन करती है, क्योंकि बाइक पे चलते हुए आप कितनी भी कम स्पीड पे चलो तो सामने से हवा आती है, विंड ब्लास्ट, विंड नॉइज, ट्रैफिक नॉइज, तो ये सब आएगा तो ऑडियो सुनने में मज़ा नहीं आएगा कि आप पब्लिक को क्या समझाना चाह रहे हो, क्या आप कंटेंट बना रहे हो और क्या आपका टॉपिक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है वॉइस क्वालिटी, आपकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। वीडियो तो एक बार को चल भी जाएगी बट ऑडियो नहीं चलती, क्योंकि ऑडियो से ही आप अपनी बात रखते हो जनता के सामने, पब्लिक के सामने, जहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हो। आज गुड़गांव खाली खाली पड़ा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है यहाँ के दंगों के चक्कर में। हेलमेट पे कैमरे को माउंट करने की, वो माउंट वाला जो मैंने आप वीडियो बनाया था, वो माउंट भी ले सकते हैं। स्ट्रैप वाला माउंट आता है, वो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए तो जे माउंट आते हैं, तो जे माउंट में आप फिक्स कर सकते हैं इजीली। किसी भी कैमरे के साथ अगर एक्शन कैमरा SJ वगैरह लेते तो उसके साथ जे माउंट आते ही आते हैं, तो फिक्स करने का भी कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है, इजी एक्सेस होता है वो भी। ऑडियो की बात कर रहा था, ऑडियो में आपको देखना पड़ता है कि किस कौन सा एक्शन कैमरा, जैसे मेरे पास SJ6 लेजेंड है, तो आप इसका अलग से माइक परचेज कर सकते हैं जो 1700 रुपये के आसपास का आता है, लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। तो इतने पैसे में इससे मेरे जैसी ऑडियो क्वालिटी, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, काफ़ी अच्छी आती है, अब पहले से बेहतर हो गई है तरीके से। अगर आप अगर आपने SJ बाय किया तो SJ के लिए तो एक अडेप्टर बनाता है एक बंदा, उससे आप वो अडेप्टर मंगा सकते हो, और उस अडेप्टर के साथ एक माइक आपको लगाना पड़ता है, जो कि होता है 3.5 mm TRRS माइक, जो हमारा नॉर्मल हमारे मोबाइल्स में लगती है ना जैक, वही नॉर्मल आपके कैमरे में भी लग जाएगी। क्या मस्त गाड़ी जा रही है भाई, मर्सिडीज़ C200 वाइट कलर की। और अगर ऑडियो क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए ना, तो आपको अगर आपके पास SJ6 लीजेंट है तो आपको लेना पड़ेगा उसके लिए एक माइक अडेप्टर, जो कि यूट्यूब पे एक बंदा है अजय करके नाम के, मैंने उसी से मंगाया था। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो भी इजीली मिल जाएगा। तो उसमें एक फ़ायदा होता है कि एक तो ऑडियो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, और साथ साथ जो बैटरी का इशू है, सेम टाइम पे रिकॉर्ड और सेम टाइम पे चार्ज, तो वो भी सॉल्व हो सकता है, हो जाता है लगभग, मैंने करा भी है, बहुत बढ़िया चीज़ जुगाड़ है वो उसके साथ। लेकिन लगाना पड़ेगा आपको एक एक्सटर्नल माइक, आउनो या आपका वो जाएगा, मैं यूज़ करता हूँ माउनो AU400, ये लगभग करीब आपको पड़ जाएगा ऑनलाइन 400 से 500 रुपये का। तो आप माउनो का माइक यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी आप सुन ही रहे हो कैसी ऑडियो क्वालिटी है, तो बेस्ट माइक लगा मुझे तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। TRRS दोनों जैक के साथ आता है, मतलब GoPro में भी लग जाएगा और नॉर्मल आपके SJ में भी लग जाएगा, किसी में भी यूज़ हो सकता है। अब इंजन चेक लाइट चली गई है बाइक में से, अपने आप ही आ गई थी, अपने आप ही चली गई। इस तरीके से टोटल कॉस्ट आपको अगर मैं आइडिया बताऊं तो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको SJ6 लीजेंड के साथ आपका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और आप अपनी मोटो ब्लॉग्स शुरू कर सकते हैं। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आप इसी से काम चला सकते हैं, और ये भी कोई बैड मतलब बिल्कुल भी ना तो इतना अच्छा है कि GoPro जैसा आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दे देगा, बट ये है कि काफ़ी अच्छा सेटअप है लगा मुझे। मैं तो काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैंने ये बाइक ली है उसके 2-3 महीने बाद से ही मैं मोटो ब्लॉगिंग पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो इस तरीके से आपका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो जाता है, और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते आपको शुरू में। आप चाहो तो आप सारी चीज़ें आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो, जैसे छोटी मोटी चीज़ें, माइक वगैरह तो आप नया ही लो तो बेहतर है, लेकिन जैसे कैमरा है या किसी ने अपग्रेड कर लिया है, जैसे किसी के पास GoPro ले लिया, उसका SJ ओल्ड हो गया तो वो ओल्ड ले सकता है। तो इस तरीके से आप अपना GoPro सेटअप, अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप अपडेट कर सकते हो और मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपको लगती है SJ6 लीजेंड से रिलेटेड, लाइक SJ6 मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पिंग कर सकते हो।
इंस्टा हैंडल भी मेरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको फुल एंड क्लियर डिटेल दे सकता हूँ उसमें। सो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो आपको पता ही है वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियोज़ में, कुछ अमेजिंग मोटो ब्लॉग्स में, सो स्टे ट्यून्ड, बाय।